नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसे जैसे शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का केस आगे बढ़ता जा रहा है, शिल्पा शेट्टी का एक अलग ही रूप नजर आ रहा है और वो बोल रही है अपने आप को सही साबित करने के लिए बहुत सारी बातें। तो इस बार उनका कहना है कि उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है अपने पति के इस मैटर के बारे में और वो इस पैसे को कोई भी यूज नहीं करती थी और उनको नहीं पता था कि लंदन में बैठकर उनकी जो ननंद है उनके पति और शिल्पा शेट्टी के पति मिलकर क्या काम कर रहे थे, उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और वो पुलिस से 3 मिनट का समय मांग रही थी अपने पति से बात करने के लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि शिल्पा शेट्टी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो इनोसेंट है? और उन्होंने ये तक कहा कि वो अपने घर खर्च का जो पैसा है वो उनसे नहीं लेती थी, वो अपने पैसों से कमाए पैसों से जो है घर चला रही थी। क्या आपको इतनी बेचारी शिल्पा लगती है कि उन्होंने अपने पैसों से घर चला रही थी, अपने पति की कोई भी हेल्प नहीं ले रही थी वो, जबकि उनको पता है कि उनके इतने एक्सपेंसिव जो गिफ्ट है उनके हस्बैंड ने उनको हमेशा दिए हैं, 3 करोड़ की अंगूठी, बुर्ज खलीफा में फ्लैट करोड़ों का, और लंदन में 7 कब्रों का जो घर है उनके पास, इतने महंगी महंगी कार है उनके पास, तो जो कि बहुत कम लोगों के पास है। तो उनको नहीं पता था कि ये जो खर्च है वो कहाँ से आ रहा है, कभी उन्होंने पूछा नहीं। क्या एक पति पत्नी कभी डिस्कस नहीं करते अपने फाइनेंशियल मैटर में? तो इस तरीके की बातें आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि शिल्पा शेट्टी को क्या कुछ भी नहीं पता था? वो इतनी बेचारी घरेलू महिला आपको लगती है, जबकि सेलिब्रिटीज अपने साथ पीएस रखते हैं, अपने एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं कि क्या कहाँ जा रहा है कैसे जा रहा है, और वो भी वर्किंग वुमेन होकर, उनको कुछ भी नहीं पता था और वो तो बेचारी अपनी कमाई से ही घर चला रही थी, ऐसा उनका कहना है। और सबसे ज्यादा दुख उन्हें इस बात का हो रहा है कि उनकी जो फेस वैल्यू है वो सारी खराब हो गई है इस समय, क्योंकि इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए फेस वैल्यू होना बहुत ही जरूरी है और शिल्पा शेट्टी की फेस वैल्यू जो उनके लेवल की जितनी हीरोइंस थी उनसे बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि उनका एक यूट्यूब चैनल था जो कि बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइबर है, इसमें टिकटॉक वीडियोज उनकी बहुत वायरल हुई और हर जगह हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो बहुत ज्यादा एक्टिव थी और इसी का वो फायदा ले रही थी कि जो उनको इतने सारे शोज में बुलाया जा रहा था, उतने सारे जो एडवर्टाइजमेंट उनको मिल रहे थे और अब वो सब उनके हाथ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। और उनकी किस्मत ही खराब कहेंगे कि 14 साल बाद उन्होंने कमबैक किया और उसके कुछ ही दिन पहले, रिलीज से पहले ही उनके पति के ये जो कांड है वो बाहर आ गए। तो आपका इस बारे में क्या कहना है बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय।